नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आज के मार्केट क्रैश के बारे में, देखेंगे आज मार्केट ने क्यों क्रैश किया और क्या क्या फैक्टर्स थे जो इसे मार्केट को नीचे पुल डाउन करके लाए, और नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ जा सकती है इस पर भी हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन। तो बिना टाइम इसके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो दोस्तों। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दोस्तों, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हमारा निफ्टी देख दोस्तों, ये मैंने वीवेप लगा कर रखा हुआ विद स्टैंडर्ड डिवीजन 1। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्केट ने अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैप को फिल करने की कोशिश करता है, जो कि आज नहीं हुआ। आज जैसे मार्केट गिरा और ये थोड़ी सी करेक्शन होने के बाद वीवेप के पास आके इसने वापस यहाँ से रिजेक्शन दिया है दोस्तों। फिर जब ये इसने जब जब प्राइस ने दोस्तों इसके नीचे क्लोजिंग दी, जो स्टैंडर्ड डिविजन 1 जो है वीवेप का, उसके नीचे जब इसने क्लोजिंग दी दोस्तों, ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल था फॉर शॉर्टिंग। और इसके बाद RSI भी नीचे था दोस्तों। और अगर आप विक्स को देखें इस समय पर, विक्स ने भी अच्छा खासा हमें कन्फर्मेशन दिया था अराउंड 10 o'clock, अच्छा खासा अप मूव दिखाया था दोस्तों। और विक्स का जो CPR लेवल है, यहाँ से इसने ये रिएक्शन दिया था, तो ये हमें कन्फर्म करा था कि हाँ आज मार्केट नीचे गिर सकती है। सिंस विक्स अपसाइड की ओर है दोस्तों, तो हमें ये पक्का कन्फर्मेशन मिल गया था कि आज मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो हम यहीं पर कहीं पर हम अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों। और हमने ये ट्रेड लिया था यहाँ पर और अच्छा खासा हमने रैली को यहाँ पर कैच किया। तो यहाँ पर आप जैसा कि आप देखें दोस्तों, ये एक बार जब यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, इसके बाद इसने कभी भी वीवेप को टच ही नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते और अपना स्टॉप लॉस मूव करते हुए वीवेप के साथ नीचे आते, तो अच्छा खासा रैली आप यहाँ पकड़ सकते थे। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों सेम लेवल है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और हमारा CPR लेवल भी आज बहुत ही नैरो था दोस्तों, देख रहे आप कितने सामने सामने हैं तीनों लाइन, सेंट्रल पिवट पॉइंट एंड R1 and S1। तो ये भी हमें कंफर्म कर रहा है दोस्तों कि मार्केट आज अच्छी खासी रैली हो सकती है। और ये जो गैप डाउन था दोस्तों, ये जो गैप डाउन था, इसने ये प्रीवियस डे का जो लो है इसके भी नीचे क्लोजिंग दिया था। तो जब ये वापस रिबाउंड करके यहाँ पर जब करेक्शन होने की कोशिश किया, जब यहाँ से रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो यहीं पर हमें कन्फर्मेशन मिल गया था विद हेल्प ऑफ विक्स कि हाँ आज मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो अगर हम प्राइस एक्शन पर भी अगर ट्रेड करते विद स्टॉप लॉस प्रॉपर, आज डे का जो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते और अकॉर्डिंगली ये वीवेप के साथ अगर हम इसे नीचे की ओर ट्रेल करते स्टॉप लॉस दोस्तों, तो हम अच्छा खासा रैली पकड़ सकते थे, या अच्छा खासा फॉल था दोस्तों। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डे था दोस्तों, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डाउनसाइड ही होंगे, तो ये इन्वेस्टर्स का दिन नहीं था दोस्तों। तो मैं ट्रेडर्स को बोलूँगा कि ऐसे दिनों में आप केयरफुली ट्रेड कीजिए और अपने प्रोफाइल्स को अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखिए दोस्तों। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे स्टॉक्स हैं तो आप इसे ऑप्शन के साथ हेज करके रखिए, जिससे जो आपका लॉस है वो मिटिगेट हो सकता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी। और हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जा सकती है, बैंक निफ्टी भी कहाँ जा सकती है, ये बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा और वेरियस इंडिकेटर्स ये हमें कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ये कहाँ जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी खासी राइटिंग हुई है कॉल साइड राइटिंग ऑलमोस्ट डबल हुई है पुट साइड से, ये ऑलमोस्ट 6,18,000 है और इधर 11,71,000, ऑलमोस्ट डबल है दोस्तों। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि पुट साइड कॉल साइड ज़्यादा राइटिंग है, मतलब ऊपर साइड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये इसे नीचे की ओर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को दोस्तों। सो यहाँ पर हम इसे ये इंडिकेशन लेते हैं कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो फॉल था, ये अच्छा खासा फॉल था, लेकिन अगर ये मंडे को ये अपसाइड खुलती है, ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करेगी मार्केट, तो आपको जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर खुली है या इसी लेवल पर खुली है, अगर ये मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल्स दिखाते हैं ऑन मंडे, तो इसमें कूद के इसमें आप लॉन्ग ट्रेड मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जो इतने भी लोग थे यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर अपना सौदा काट के यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये कल की मतलब प्रीवियस डे की जो लेवल्स है, इस लेवल पर अगर ये जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं लेंगे। हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना होगा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, जब तक ये 17,600 का लेवल ऊपर साइड टूटता नहीं है, हम इधर अवॉइड करेंगे दोस्तों लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए। और अभी तो इस बेरिश मार्केट में तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप लॉन्ग लेने से बचिए, क्योंकि ये मार्केट आपको कहीं भी फंसा सकता है और मार्केट और भी नीचे जा सकती है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है आज का मार्केट क्रैश होना स्वाभाविक था दोस्तों, क्योंकि जैसे ग्लोबल न्यूज़ है आपका, यूरोप में पूरा केसेस बढ़ रहे हैं, अफ्रीका में भी बढ़ रहे हैं, तो ये जो
कोरोना केसेस हैं दोस्तों, ये मार्केट को गिरा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोरोना केस है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द आई मीन फार्मा स्टॉक्स आज टॉप पर हैं। क्यों? क्योंकि एक बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल इमरजेंसी, ये मार्केट नीचे गिर रही है। तो ऑब्वियसली ये जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं वो ऊपर की ओर है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिप्ला ने आज अच्छा खासा 65 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है, डॉक्टर रेड्डी ने भी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का, डिवीस लैब ने 140। तो ये सब स्टॉक्स आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों कि मार्केट और नीचे गिर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है ये कोरोना काल में ये सभी फार्मा स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, तो अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये स्टॉक्स और ऊपर जा सकते हैं। तो लॉन्ग अगर आप सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए इन फार्मा स्टॉक्स में, और बाकी सब स्टॉक्स में दोस्तों सभी रेड में हैं, तो इनको आप शॉर्ट के लिए आप अप्रोप्रिएट लेवल पर जब भी करेक्ट हो आप प्राइस एक्शन देख के इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी पुट साइड राइटिंग है ऑलमोस्ट 5 लाख की और कॉल साइड राइटिंग है ऑलमोस्ट 9.5 लाख की, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही है दोस्तों। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कॉल साइड ज़्यादा राइटिंग है, मतलब ऊपर साइड ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से ऊपर जाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसे भी हम अपने शॉर्ट साइड ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जब भी थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें शॉर्ट साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे एग्रेसिवली बेस्ड ऑन वीक्स। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज वीक्स ने ऑलमोस्ट 25% अप क्लोजिंग दी है, मतलब आज वीक्स आज वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, सो मार्केट को तो गिरना स्वाभाविक था ही। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो ओपन जो डेटा हमने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखा दोस्तों, ये जो कॉल पुट का डेटा है इसको हम चार्ट में देख सकते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक 17,300 तक अच्छी खासी राइटिंग हो चुकी है, मतलब अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है यहाँ पर, ऊपर साइड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों, और मैक्सिमम भी नीचे की ओर स्लाइड किया है। कल जो 17,500 के पास था आज ये 17,300 के आसपास आ चुका है, 17,350 के आसपास मैक्सिमम नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है दोस्तों। ये तो है दोस्तों निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है, और अगर देखें तो 36,500 के लेवल्स पर भी अच्छी खासी बिल्डअप हो रही है कॉल साइड राइटिंग। सो इसे भी ये इसका भी मैक्स पेन नीचे डाउन साइड पुश किया जा रहा है, तो इसमें भी आप डाउन साइड की ओर देख सकते हैं। तो ये तो थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, स्टॉक्स अगर आप देखें इक्विटी स्टॉक्स पर, तो मोस्टली अगर आपको लॉन्ग जाना हो तो आप मोस्टली ये फार्मा स्टॉक्स देख सकते हैं, और बाकी जो स्टॉक्स इसमें शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जब भी मार्केट करेक्शन हो वैसे सिचुएशन में आप एंट्री ले सकते हैं। बी केयरफुल दोस्तों, और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी मार्केट नीचे जा रहा है हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन इमीडिएटली हमें एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों, हम वेट करेंगे जब मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट होगा, एक डे कैंडल पर जब हमें एक दो फॉलोअप कैंडल मिल जाएंगे तब हम एंट्री लेंगे, हम अभी एंट्री नहीं लेंगे दोस्तों, हम लोग वेट करेंगे मार्केट का करेक्ट होने का। जब तक ये हमारा RSI एक डे कैंडल में जब तक हमारा RSI ऊपर नहीं आता है दोस्तों, 50 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का ये इंटरडे एनालिसिस जो है दोस्तों यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। Thank you for watching the video and supporting me, dosto. Thank you for watching the video.